ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। 60 वर्षीय फैयाज का खून से लथपथ शव मिलने से फैली सनसनी, प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका। खून से लथपथ शव मिलने से उस वक्त सनसनी फैल गई जिस समय गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा खाली प्लॉट में खून से लथपथ शव देखा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उस शव की शिनाख्त सहारनपुर जनपद के बिहार इलाके के गांव छिड़का भटकौवा संसारपुर निवासी 60 वर्षीय फैयाज के रूप में की गई। पूरा मामला सहारनपुर जनपद के थाना बेहट के गांव छिड़का भटकौवा संसारपुर का है, जहां बीती रात एक व्यक्ति द्वारा गांव के ही खाली प्लॉट में एक शव को देखा गया। मृतक के सर पर चोट के गहरे निशान दिखाई दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, तो वहीं शव के सर पर धारदार हथियारों के निशान देखने से प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का लग रहा है। वही बताया जा रहा है कि मृतक फैयाज अपनी दुकान से नमाज पढ़ने के लिए निकला तो उसके बाद वापस लौट कर नहीं आया। परिजनों द्वारा मृतक की ढूंढ भी की गई लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। जब अचानक मृतक का शव खाली प्लॉट में देखने के बाद परिजनों को सूचना मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया। थाना बेहट क्षेत्र में गांव पड़ता है खेड़ा भटकौवा, उसमें ये कल रात की घटना है। एक व्यक्ति जिसका कि नाम फैयाज है, सन ऑफ दीन मोहम्मद, उसकी कल रात को जो है उसका शव एक गांव के ही प्लॉट में पड़ा हुआ था। वहां से हमें सूचना दी गई, पुलिस को जो है तत्काल मौके के लिए रवाना किया गया। मौके पर पहुंचकर जो है हमने उसकी जांच शुरू कर दी और उसमें जो है हमने अभियोग पंजीकृत करा दिया है और आगे जो है उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी आएगा उसको हम कठोर से इसमें सजा दिलवाएंगे। सर, परिजनों का आरोप है कि सब की हत्या करके जो है प्लाट में फेंका गया है। बिल्कुल, अभी इसमें लग तो यही रहा है कि इसको जो है मारा गया है। इसके ऊपर सर के ऊपर एक चोट है जो कि लग रहा है किसी धारदार हथियार से किसी ने वार किया है इसके सर के पीछे। तो ये है कि ये किसी ने इसको मार के इसके शव को वहीं डाल दिया है। तो इसमें जांच चल रही है, अभियोग पंजीकृत हो गया है और आगे जो भी होगा इसमें कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम मुबीन, अपनी दुकान है गाँव में चाय की। और सर, अब्बा जो है नमाज पढ़ने के लिए गए 7:45, मतलब ईशा के अज़ान होने के बाद फिर नमाज पढ़ने गए। जाते हैं रोज़ की और डेली जाते हैं, तो अब जैसे 9:45 आ जाते हैं वापस दुकान पर, फिर मुझे घर भेज देते हैं। तो कल ऐसा हुआ कि वो दुकान पे भी नहीं पहुँचे और ना घर पे पहुँचे। तो जब ढूंढने के लिए निकले तो मिले नहीं है। काफ़ी देर तक ढूंढते रहे तो फिर काफ़ी लड़के थे तो एक आधे का ध्यान पड़ेगा वहाँ पर। तो देखा कि धारदार औजार से हथियार से वार किया हुआ था कई बार सिर पर। तो फिर हम चाहते हैं भाई, ये तो हमें पता नहीं है किसने किया, लेकिन हम चाहते हैं कार्रवाई हो। तो हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, ना रंजिश है ना हमारा कुछ ऐसा हुआ है। मोहम्मद फिर का भटका हुआ क्या? बस घटना तो यही हुई है कि घर से मस्जिद तक नमाज पढ़ने के बाद आए, उसके बाद में पता नहीं लगा। घर दिखाया कि घर पर होंगे, घर नहीं है। मस्जिद में दिखवाया, वहाँ पे नहीं है। उसके बाद पता लगा, ढूंढने लगे। ढूंढने के बाद पता लगा कि भाई बारिश का ज़्यादा माहौल था, तो पता लगा कि यहाँ पर ऐसा देखा कोई छतरी पड़ी हुई है, तो उसकी वजह से पता लगा। लाइट थी नहीं, अंधेर ज़्यादा था। बस ये तो हत्या को तो देख नहीं सकते इस तरह, लेकिन हाँ ये है कि धारदार औजार से हो रखी है। कुल्हाड़ी है या पट्टा? मोहम्मद फैयाज बड़े।